सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए तो मैं इस करो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलो, तुम तेरे जिस्म में है क्या, तेरे जिस्म में है क्या, उस पर मर्जी चलाता है। अमेरिका में तहकीक करी है, बेहया की तहकीक करी है, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी मेरी एक बात सुनी आपने, इस घटिया को लिया मेरे साथ पैनल में। जी बात करने दें इनको, आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है, करें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज तक उर्दू चैनल पर वेलकम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज औरत मार्च की हम बात करेंगे। औरत मार्च के हवाले से एक मीडिया ब्रीफिंग यानी कि मीडिया पर एक प्रोग्राम जारी था जिस पर खलील-उर-रहमान कमर जो पाकिस्तान के ड्रामा नफीस हैं, ड्रामा राइटर हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी तरफ हम बात करें जो औरत मार्च की सबसे बड़ी जो एक्टर है हम इसको इस औरत को कहते हैं जो एक ड्रामेबाज और गुंडी औरत है, जिसने एक शो में खलील-उर-रहमान कमर से बहस व मुबाहसा हो गया, ये होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। खलील-उर-रहमान कमर मारवी सरमद जो है, जो इस औरत मार्च की सबसे बड़ी खिलवाड़ी और इन दोनों में बहस हो गई। तो शो के दौरान मारवी सरमद के जो अल्फाज थे कुछ यूं थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसे ही करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम अपनी बच्चियों को जलील करेंगे, मतलब ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। तो पूरी बात कही, मगर उसके बाद जो खलील-उर-रहमान कमर साहब हैं, इसने जब बात शुरू की तो उसने बीच बोलना चाहा, तो शटअप करने पर इसकी अच्छी तरीके से मंजी ठोकी के ऐसी आगे से बात ना करें। ये गालियां बिल्कुल जो दी हैं खलील-उर-रहमान कमर साहब ने, बिल्कुल अच्छी दी हैं, सही दी हैं। इस औरत का मुंह तोड़ना चाहिए ऐसी औरतों का, जो 15-20 जो ढंडी औरतें हैं, हीरा मंडी की पैदाइश हैं, तो इनको रोकना चाहिए कि ऐसा काम ना करें कि पाकिस्तान में बदअमनी ना फैलाएं। अगर ये फैलाएंगी तो इसको मंजी जरूर उसकी ठोकनी चाहिए, इसको ठोकना चाहिए ऐसी जगह पर के ये बाहर ना निकले। बिल्कुल गलत बात है, ये जो औरतें जो 15-20 औरतें जो बाहर निकाल कर पाकिस्तान की जो नामवर और अच्छे लोगों की बच्चियां होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, तो ये गलत कामों में मसरूफ कर देते हैं। जी ऐसे स्लोगन उठाए, डिवोर्स करा कर मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बदचलन हूँ, मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और खाना खुद गर्म करो, मोजे खुद ढूंढो, ऐसी बिल्कुल बेहयाई की बातें हैं। इनको कंडम करना चाहिए, पाकिस्तान में तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसी औरतों को कंडम करें, ऐसी औरतों को रोकें, इनकी तजलील करें, इनको मना करें, ताकि पाकिस्तान में बद अमनी फैलाने वाली जो औरतें हैं, चंद औरतें, इनको जेलों में बंद किया, फंडिंग कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बद अमनी फैलाएं, ये नहायत एक गलत अमल है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। वजीर अजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामले को उठाया जाए, ऐसे मामले को खत्म कर किया जाए कि जो ऐसी औरतें हैं जो गलत तासुरात पैदा करके पाकिस्तान में बद अमनी और अमरीकी निज़ाम कायम करना चाहती हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जिस पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, तो हमें आगे नज़र नहीं आ रहा तकरीबन, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चार पाँच साल में ये पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीकी रियासत ये बन जाएगी, अमरीका का निज़ाम कायम हो जाएगा इसमें, ऐसे ही जैसे जो औरतें वहाँ फिर चलती फिरती हैं इधर भी ऐसे ही करेंगी। तो हमें रिक्वेस्ट हम सब करते हैं पाकिस्तान के जो मोज़ेज़ लोग हैं कि इस पर बात की जाए, अगर
عورتوں کے حقوق ہیں تو عورتوں کے حقوق مانے جائیں, اچھے جو حقوق ہیں مار پٹائی گھروں میں ظلم زیادتی یہ ضرور رکنا چاہیے, مگر ایسے سلوگن اٹھا کر سڑکوں پر نکلنا نہایت غلط عمل ہے. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں, اور واٹس ایپ نمبر ایمو اور مختلف ویب سائٹ مختلف سوشل سائٹ پر یہ ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ جو لوگ غلط طریقے کا شکار ہے اس پر عمل کر کے ایک اچھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اور آج تک اردو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. خدا حافظ.